द कश्मीर फाइल्स का विरोध और कश्मीरी पंडितों का अपमान कर केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। अब खुद कश्मीरी पंडितों ने केजरीवाल को सबक सिखाया है। जगह जगह पर केजरीवाल के खिलाफ विरोध किया गया, उनके पुतलों तक को फूंका गया और तो और कश्मीरी शिक्षकों ने केजरीवाल के झूठ की भी पोल खोल दी है, जिससे केजरीवाल बेनकाब हो गए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाना और नौकरी पर झूठे वादे करना महंगा पड़ गया है। अब कश्मीरी पंडितों ने केजरीवाल के खिलाफ खुद मोर्चा खोल दिया है और सारी सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रख दी है। कश्मीरी पंडित केजरीवाल के खिलाफ जगह जगह सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं। जंतर मंतर से लेकर दिल्ली के तमाम इलाकों में केजरीवाल का विरोध हो रहा है। केजरीवाल के बयान के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने पांडव नगर में प्रदर्शन किया। कश्मीरी पंडितों ने एक सभा बुलाकर अपनी आपबीती सुनाई और इलाके में पदयात्रा निकालकर फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने की अपील की। इसके साथ ही कश्मीरी पंडित शिक्षक संघ ने केजरीवाल पर सबसे बड़ा खुलासा किया। दरअसल केजरीवाल ने कहा था कि उनकी सरकार ने कश्मीर के प्रवासी शिक्षकों की सेवा नियमित की। केजरीवाल के इस दावे पर कश्मीरी पंडित शिक्षक आग बबूला हो उठे और उन्होंने बयान देते हुए खुलासा किया कि केजरीवाल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित शिक्षक संघ ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उनके नियमित होने में बाधा डालने की कोशिश की थी। हाईकोर्ट के नियमितीकरण के आदेश को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दी थी। दिल्ली सरकार ने डबल बेंच में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। डबल बेंच ने भी जब केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी तो केजरीवाल इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गए और अब केजरीवाल कश्मीरी पंडितों पर घिरे तो उनके रहनुमा बनने और अपना डबल चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों ने केजरीवाल का डबल चेहरा सबके सामने ला दिया है। खुद केजरीवाल का झूठ भी सामने आ चुका है। वहीं गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन रजिस्टर्स की ओर से बयान जारी कर केजरीवाल के बयान की निंदा की गई है। संगठन ने भी केजरीवाल के बयान को झूठा करार दिया। एसोसिएशन के संयोजक दिलीप भान की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दिल्ली सरकार के पास जब कोई विकल्प नहीं रहा तब अंत में 23 जनवरी 2019 को कश्मीरी पंडित शिक्षकों की सेवाएं नियमित की गईं। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली सरकार कश्मीरी पंडित शिक्षकों की सेवाएं कभी भी नियमित नहीं करना चाहती थी और आज केजरीवाल उन कश्मीरी पंडितों को लेकर खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, जो अब दुनिया के सामने आ चुका है। यानी कि जो केजरीवाल पर अब कश्मीरी पंडितों पर राजनीति कर रहे हैं, कभी उनका मजाक बना रहे हैं तो कभी उनके लिए सहानुभूति भी दिखा रहे हैं। उस केजरीवाल का दोगला चेहरा सबके सामने आ गया है। जो केजरीवाल अब तक ये कह रहे थे कि उन्होंने कश्मीरी पंडित शिक्षकों की नौकरियों को नियमित किया है, उसकी पोल खुद कश्मीरी पंडित शिक्षकों ने खोल दी है और बता दिया है कि उन्हीं की सरकार ने अंतिम विकल्प तक कश्मीरी पंडित शिक्षकों की सेवाएं नियमित करने का विरोध किया था। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।